दलित प्रत्याशी को धक्के मारकर बाहर निकाला। चमार प्रत्याशी को तिवारी पुलिस वाले ने बोला, तुम्हारी औकात है अंदर जाने की। योगी की पुलिस का दलित विरोधी चेहरा देखिए। ये तस्वीरें देश के लोकतंत्र पर धब्बा हैं। ये तस्वीरें देश के संविधान का अपमान है। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूपी में योगी की पुलिस के लिए दलितों की क्या औकात है। ये तस्वीरें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान का मखौल उड़ाने की हैं। चले छूटे बाहर। यूपी की पुलिस जिस आदमी को धक्के मार रही है उसे उसके औकात बता रही है, वो यूपी के कौशाम्बी से निर्दलीय प्रत्याशी छिद्दू चमार है। कौशाम्बी संसदीय सीट से बृहस्पतिवार को नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी छिद्दू को सीओ सिटी के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लौटते समय उन्होंने नगड़िया बजानी शुरू की तो सीओ सत्येंद्र तिवारी ने उन्हें धक्के देकर परिसर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, उन्होंने छिद्दू चमार को उसकी औकात भी बता डाली। चले छूटे बाहर। कंपाउंड के बाहर जाइए। कंपाउंड के बाहर बाजा बजाएंगे। सिराथू तहसील के दावापुर निवासी छिद्दू साइकिल से फेरी लगाकर बर्तन बेचने का काम करते हैं। उनकी क्षेत्र में एक अलग पहचान है। वो पिछले 24 साल से हो रहे प्रत्येक चुनाव में उम्मीदवारी कर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छिद्दू के चुनाव लड़ने व प्रचार करने का तरीका बेहद अनोखा है। उनका प्रचार देखने के लिए लोगों का मजमा लगता है। इधर देखो न उधर देखो, 20 मई का कुल कौशाम्बी की जनता छिद्दू चमार का देखो। लेकिन एक चमार जाति का आदमी भला चुनाव लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? शायद यही सोचकर सीओ सत्येंद्र तिवारी ने छिद्दू चमार को धक्के देकर भगा दिया। यह सवाल उठता है कि अगर छिद्दू चमार नगड़िया बजाकर शांति भंग कर रहे थे तो उन्हें समझाया जा सकता था और सत्येंद्र तिवारी उनसे कहकर नगड़िया बजाना बंद करवा सकता था। और अगर छिद्दू चमार फिर भी नहीं मानता तो उसके खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाते। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे एक दलित व्यक्ति को धक्के देकर उसके औकात पर ही सवाल उठाने लगे? मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ सहीबापुर संसद का और मैं हमेशा चुनाव लड़ा हूँ। आज ये 24 साल हो गए चुनाव लड़ते लड़ते और जो है तो ये 11 चुनाव लड़ के ये बार हम चुनाव में लोकसभा का दाखिल किया हूँ। आज पर्चा दाखिल किया हूँ मुझे पास। क्या मांग है, कैसे चुनाव लड़ोगे? अब निर्दलीय प्रत्याशी मैं हूँ, इधर देखो ना उधर देखो, 20 मई का छिद्दू चमार का देखो, हार जीत की बात अलग है, कौशाम्बी के चुनाव में जवान कर दिया हूँ, यानी लड़त लड़त जवान। जीत जाओगे तो क्या करोगे? देखो मीडिया साहब जब आधा डंडा पावे साहब अभी हमारी सरकार बताए दे। अभी तो लोग वहाँ से कोई धक्का मारते हुए लेके आया, कौन हमका सिपाही दरोगा ही धक्का मारा नगाड़िया लिए रही नहीं तो कभी मीडिया साहब कहें कि छेद बजा दो तो हम बजा दी ना। और लोग इकट्ठे जो है तो कहें कि नहीं ये कोई बजाने का नहीं चीज है। बिल्कुल अरे भाई आफत मजाएंगे धक्का मार के बजाए। हाँ बजा देने की जस्ती हम यही से गरीब जान के जो है गरीब जान के। हाँ मीडिया साहब तुम तो सब जने रहा भाई भाई जितने जने था धकेल के बाहर। हाँ नगड़िया वापस नहीं मिली नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद छिद्दू चमार के साथ हुए भेदभाव और उत्पीड़न के मामले में लोग पुलिस वाले सत्येंद्र तिवारी के खिलाफ SC ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कौशाम्बी पुलिस से छिद्दू की ही गलती बता रही है। कौशाम्बी पुलिस ने बयान जारी कर कहा,
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का नामांकन करने के पश्चात निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा नामांकन परिसर के 100 मीटर के दायरे में डुगडुगी बजाकर नारेबाजी की जा रही थी, जिससे असहज स्थिति उत्पन्न हो रही थी। आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत उन्हें कई बार मना किया गया, उसके बावजूद भी वो नहीं माने, जिस पर क्षेत्राधिकारी मंजनपुर द्वारा उन्हें परिसर से बाहर निकाल दिया गया। पुलिस अपना बचाव कर रही है, लेकिन यूपी पुलिस की हरकत का सोशल मीडिया पर खूब विरोध हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सूरज कुमार बोध ने ट्विटर पर लिखा, छेदू चमार एक मजदूर हैं, गरीब हैं, ऐसी समुदाय से आते हैं, इसलिए तो सीओ सत्येंद्र तिवारी उनकी औकात नाप रहा था। अगर वो ब्राह्मण होते या बीजेपी से होते तो यही अफसर नमस्ते सर कह रहा होता। वहीं लंदन की रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी के स्कॉलर अरविंद कुमार ने लिखा, कौशाम्बी की जनता से निवेदन रहेगा कि इस बार वो छेदू चमार को चुनाव जितवा दें, जिससे उनके औकात देखने वाले अफसर को उसकी औकात पता चल जाएगी। जब उसे उठकर सैल्यूट करना पड़ेगा, बाकी पार्टियों को भी इनका समर्थन करना चाहिए। अरविंद कुमार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा, अरविंद कुमार का ये सुझाव अच्छा है कि छेदू चमार को जन उम्मीदवार बनाकर कौशाम्बी से चुनाव लड़ाया जाए, सभी पार्टियां उनको जितवाएं, मैं भी सहयोग करूंगा। हम सब देखना चाहते हैं कि सत्येंद्र तिवारी जूता पटककर उनको सैल्यूट करे, सत्येंद्र तिवारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। सिरातू तहसील के दैवापुर शमशाद निवासी छेदू चमार घर घर बर्तन बेचकर अपना गुजारा करते हैं। साल 2000 में शमशाबाद क्षेत्र पंचायत से अपने सगे चाचा धर्मराज को 195 मतों से शिकस्त देकर वो क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे। पिछले 24 सालों के राजनीतिक सफर में वो अब तक कई क्षेत्रों और ग्राम पंचायत के अलावा लोकसभा और विधानसभा के 2-2 और जिला पंचायत के 3 चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग छेदू के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।